नंद देवाय नमः। स्वरूपाय नमः। ये ध्यान में डूबने के लिए भगवान नाम जपते जाएंगे और खोते जाएंगे। हरिओम ओम, हरिओम शांति, हरिओम शांति, ओम 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 शांति। भीतर ही भीतर खोते जाएंगे, अंदर कुछ का कुछ होने लगेगा तो उसे सहयोग देना। मन मगन भया फिर बाहर क्या बोले, परमात्मा शांति के समान कोई तपस्या कोई धन नहीं। तपस्सु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थों में शरीर पावन होता है, ध्यान में हम स्वयं परमात्मा में पावन होते हैं। यज्ञ में वस्तुएं स्वाहा होती है, वातावरण में सुगंधि आती है, लेकिन ध्यान में हम ही भगवत रस से पावन होते हैं। भगवान शंभ सदाशिव कहते हैं पार्वती जी को, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। ध्यान के समान कोई तप दान स्नान नहीं। और कार्तिक मास की बड़ी भारी महिमा है। युगों में सतयुग और मासों में कार्तिक मास, देवों में भगवान नारायण और शब्दों में ओमकार, सर्वोपरि भगवत सत्ता से जोड़ने वाले मधुर शांति, गहरी शांति। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लगा लजाता नहीं। अपनापन भूल समाधि लगाए पीहु का बिहाग सुहाता नहीं। नब देख पियो घर शाम ढले क्यों मिट उसमें मिल जाता नहीं। अब सीख ले मौन का मंत्र नया ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। चुगता है चकोर अंगार फरियाद किसी को सुनाता नहीं। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बिंद्रावन की कुंज गलियों में साधकों की दिल की गलियों में शांति और माधुर्य का संचार हो रहा है। आज लाभ पांचम है। पांचों इंद्रियों में परमात्मा शांति का लाभ, पांच ज्ञान इंद्रियों में परमात्मा शांति का लाभ, पांच कर्म इंद्रियों में परमात्मा प्रसाद का लाभ, पंच दिवसीय पर्व का झुमका की पूर्णावति लाभ पांचम को होती। पर्व की पूर्णावति तो हो जाए भले, लेकिन अपने साधन भजन की पूर्णावति उत्तम साधक नहीं करता। जैसे भोजन रोज चाहिए, स्नान रोज चाहिए, से ध्यान जप और सत्कर्म भी रोज चाहिए। ओम शांति। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। मारा वालुड़ा हे आनंद देवा,
हे गुरुदेवा, हे सुखदेवा, हे शांति देवा, हे माधुर्य देवा, गहरी शांति, मधुर शांति, प्रभुमय शांति, ओम शांति।